नमस्कार सर, मैं परवीन जयवाली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ द माइंड मेंटर में। जैसे कि हमने पहले बताया, जो इस बार सिलेक्ट हुए स्टूडेंट हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ हैं नवज्योति मैम मेरठ से, जिन्होंने इस बार PCHA 2018 क्लियर किया है। उनसे पूछते हैं कैसा रहा है, पहले आप बताइए आपका पूरा सफर कैसा रहा, और सबसे पहले कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया आपको क्या फीलिंग रही? देखिए, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो ऐसा था जैसे सपना पूरा हो गया, खासतौर पे पापा मम्मी का रिएक्शन देखा। और ये जो पूरी जर्नी है इसमें पेशेंस का बहुत रोल है कि यदि आप पूरे सफर को ये मान के करते हैं कि ठीक है जो मैंने एम बनाया है उस तक पहुंचना है, तो अपने आप जोश और जज्बा बना रहता है। वरना कठिन तो है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, आपको बहुत सारी ऐसी सोशल गैदरिंग्स हैं, दोस्तों के साथ उठना बैठना है जो कम करना पड़ता है ना, तो मुश्किल वहां पे होती है। पर पढ़ने का अगर शौक लगा लें और पढ़ने को ही मजेदार बना लें तो अपने अपने सफर भी बहुत सुहाना होता है। जैसे कि सुनने में आता है कि ये सपना आपका नहीं था, 25 साल पुराना आपके फादर का सपना है। जी एक्चुअली मैं पर्सनली टीचिंग में ही जाना चाहती थी और उसी की वजह से मैंने LLM किया, नेट किया। लेकिन उसके बाद जो मेरे फादर हैं वो शुरू से खुद भी वो चाहते थे कि वो जज बने, जुडिशरी में बन जाए। उन्होंने काफी एग्जाम्स दिए, HJS वगैरह में भी इंटरव्यू भी फेस किया काफी। इवन एक बार उनका सिलेक्शन भी हुआ था, पर आउट ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेस एक रुक गई जिस वजह से वो पूरा एग्जाम ही कैंसिल हो गया था। तो कहीं ना कहीं उनका एक अधूरा सपना था, तो अब उन्हीं से इंस्पिरेशन मैंने ली। मैंने कहा ठीक है देते हैं एग्जाम। तो 2016 में मैंने पहली बार यूपी जुडिशरी का एग्जाम अटेम्प्ट किया जिसमें मैंने इंटरव्यू फेस किया, लेकिन मेरा 6-7 मार्क्स के मार्जिन से रह गया। उसके बाद फिर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था 2018 में, और भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से फाइनली। जैसे कि आप बता रहे सपना फादर का था, सुनने में भी आता है कि फादर का सपना था, जो 20-25 साल बाद आपने लगा था कि तब पूरा हुआ है। तो जैसे जनरली ये होता है बेटियां फादर की ज्यादा क्लोज होती है, तो उस टाइम पे आपके फादर की क्या रिएक्शन थे जब रिजल्ट? देखिए, फादर तो बहुत खुश थे, जो होता है हल्का आंखों में पानी वाला, जो क्योंकि वो डबल कुछ है तो उनका अपना सपना एक अपनी बेटी के लिए। लेकिन वो मेरे पिता ही नहीं, वो गुरु भी हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चों के गुरु हैं जो असफल रहे, तो कहीं ना कहीं मेरी खुशी से जो उनको संतुष्टि मिली उसी के साथ उनको एक साथ में जब पता चला कि अच्छा इन बच्चों का नहीं हुआ जो बहुत अच्छे थे उन्हीं के स्टूडेंट्स थे, तो उनको उसकी वजह से ठेस भी हुई, तो कहीं ना कहीं खुशी के साथ साथ एक वो चीज भी आ गई। दोनों चीजें साथ साथ चली गई। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ खुशी थी, वो एक गुरु भी हैं और उनको अगर मेरी खुशी हुई तो इसका ही उतना ही दुख भी हुआ, क्योंकि बहुत बच्चे इस बार जो इंटरव्यू फेस किया था कोचिंग से। तो आपका सफर कैसे रहा, कैसे आपने, जैसे आप बता रहे एक बार आपने इंटरव्यू दिया और क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके बाद गिरते उठते संभलना कैसा लगता था, क्या फीलिंग थी, वो किस तरह से कवर किया आपने? देखिए, बहुत मुश्किल होता है जब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और इंटरव्यू के बाद फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो तभी हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में क्या बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, क्योंकि सब लोग आसपास इस तरीके का माहौल बना देते हैं कि बस अब तो हो गया। और जब नहीं होता उस रियलिटी को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये कहूंगी उससे हताश ना, आपने अगर कोई सपना देखा है तो उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप ये देखें कि आपकी कमियां कहां रही थी, पिछली बार मेरी कमी और कहीं नहीं थी, GS में थी, सभी सब्जेक्ट्स में मेरे 100 से ऊपर नंबर थे, इंटरव्यू में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था अराउंड 68 मार्क्स, लेकिन GS में मेरे 57-58 मार्क्स थे। तो मैं ये समझी कि मैंने GK पढ़ी ही नहीं सही से, एक होता है ना कि ये तो मैंने देखा ही नहीं, परीक्षा के बाद अपना आईना दिख जाता है क्या होगा कि कमी कहां रही है। जरूर आप में कहीं ना कहीं कमी रही है जिस वजह से आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, उस कमी को सुधारें और निराश ना हो, हताश ना हो। अच्छा, हम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा अभी स्टार्ट करना चाह रहा है तो कैसे स्टार्ट करें और कितना टाइम पीरियड उसे मिनिमम मान के चलना पड़ेगा कि लगेगा? देखिए, सब लोगों की अपनी खुद की जर्नी होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं LLB फर्स्ट ईयर से वो सपना देख लेते हैं हमें तो जुडिशरी में जाना। यदि आप ऐसे हैं तो बहुत अच्छा है, आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो आपके BA के सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के साथ आप अपना GS स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप जब लॉ के सब्जेक्ट्स आए तो टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। जब तक आपका LLB क्लियर होगा तब तक आप कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड ग्राउंड
बेस अपना बना चुके हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फोर्थ या फिफ्थ ईयर में आके सोचते हैं कि चलो जुडिशरी के एग्जाम देते हैं, तो वो भी कोई डिले नहीं है, आपको बस अपना टाइम टेबल सेट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उससे एग्जाम को जानिए। अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पैटर्न रहता है, दिल्ली का थोड़ा अलग पैटर्न है, उत्तराखंड का। इस हिसाब से बच्चे क्या करना चाहिए, एक तो स्टेट सेलेक्ट करना चाहिए या फिर सभी के लिए? मेरा मानना है आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सेलेक्टिव स्टडी से प्रेशर कम होता है सॉरी और कहीं ना कहीं बेहतर तैयारी होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने मेन फोकस यूपी जुडिशरी पे ही रखा था, लेकिन साथ ही मैंने ये सोचा था कि उत्तराखंड का काफी सिमिलर पैटर्न है, तो मैं उत्तराखंड का भी पेपर दे देती हूँ। ये बात अलग है कि वहां का प्रिलिम्स भी नहीं निकला मेरा, लेकिन उससे क्या होता है कि आप तैयारी लगभग एक जैसी सी करते हैं। अगर आप दिल्ली का पेपर लें तो उसमें प्रॉब्लम बेस्ड पेपर है, यदि आप दिल्ली ओरिएंटेड हैं तो दिल्ली के साथ आप हरियाणा को रख सकते हैं, क्योंकि उनके पेपर को कहीं ना कहीं हम मैच कर सकते हैं, सिलेबस को मैच कर सकते हैं, तो एक सेलेक्टिव स्टडी बेटर है। लेकिन कई बार ये लगता है कि हम सब दे देते हैं, एमपी आ रहा है उसे भी दे दें, उत्तराखंड आ रहा है उसे भी दे दें। आप दे सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग में एक या दो टारगेट स्टेट बनाइए और उसी के हिसाब से तैयारी करिए, ऐसा मेरा मानना है जी। आपकी स्ट्रीम क्या रही है जो आपने तैयारी की सेकेंड अटेम्प्ट? जी जी, स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा लॉ काफी हद तक तैयार हो गया था। प्रीलिम्स के लिए आपको वेयर एक्ट्स को ऐसे पढ़ाई करनी है जैसे बस यही है, जैसे बाइबल कुरान। वेयर एक्ट के सबसेक्शन याद होने चाहिए, सबसेक्शन ना होकर याद ना होकर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रोविजन है वो तो आपको याद होने ही चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टली आपको बेयर एक्ट पढ़ने की आदत होनी चाहिए, यानी कि आपको अंदाजा हो कि इस बुक के सेक्शंस में ये होता है ना। जैसे आईपीसी में हमारे इस पर्टिकुलर पोर्शन है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, राइट, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल पैटर्न बनाए फॉर प्रीलिम्स। इसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को साथ में करें। वेयर एक्ट से यदि आज आपने 10 सेक्शंस पढ़े तो उन 10 सेक्शन के साथ ही जितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको आप एमसीक्यू कर लीजिए। उसके लिए हमारे मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, जैसे आपकी ओपी त्रिपाठी बुक है यूपी जुडिशरी के लिए, मुझे तो वो काफी पसंद आई थी। इसके अलावा यूनिवर्सल्स की है, नेक्सस नेक्सस की है, एक अशोक कुमार जैन की है, कौन सी है वो भी बहुत अच्छी सिंगल है जी, सिंगल्स बहुत अच्छी है उसमें प्रीवियस ईयर्स।